हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। क्लास फोर्थ, आज हम आपको प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर दोनों आपको समझाएंगे कि व्हाट इज प्राइम नंबर और व्हाट इज कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो सबसे पहले हमें डेफिनेशन समझना है कि प्राइम नंबर क्या होता है, व्हाट इज प्राइम नंबर। तो आपको ये डेफिनेशन भी कॉपी में लिखना है, नोट करना है। ये हमारी डेफिनेशन है इसकी, प्राइम नंबर की। व्हाट इज प्राइम नंबर? ए नंबर विच कैन बी डिवाइडेड ओनली बाय वन एंड द अदर इटसेल्फ इज कॉल्ड अ प्राइम नंबर। ठीक है, जो डेफिनेशन हो गई, अब हम इसको समझना है क्या इसमें ये क्या कह रहे हैं। तो उन्होंने कहा है कि ए नंबर ऐसा नंबर जो सिर्फ वन से डिवाइड हो या फिर वो खुद स्वयं से डिवाइड हो, वो क्या कहलाता है? प्राइम नंबर कहलाता है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल हम आपको समझाते हैं, इसी ना एग्जाम्पल ले लें, 5, 7, 11, 90 आगे और भी है, आर प्राइम नंबर्स। तो इसके हमें कितने फैक्टर्स दिख रहे हैं यहाँ पर? ओनली टू,
एक बंद दिख रहा है और एक सेविंग, यही हमारा बार बार रिपीट हो रहा है, बुरा है कि नहीं? बंद का सेविंग में बंद है, सेविंग का बंद में बंद है, तो क्या आ रहा है? सेविंग। तो एक ट्रायंगल, एक साइड का क्या निकला हमारा यहाँ से? वन, और एक क्या निकला? सेविंग। तो हम ये कह सकते हैं ट्रायंगल नंबर सिर्फ कितने फैक्टर्स रखता है? ओनली टू फैक्टर्स। तो ये ट्रायंगल नंबर की आपको डेफिनेशन हमने आपको क्लियर कर दी। ये भी आपको पूरा कॉपी में लिखना है क्योंकि आपको याद रहे कि ट्रायंगल नंबर क्या होता है। एक्सरसाइज स्टार्ट जब हमारी होगी ना, उसके पहले हमें ट्रायंगल नंबर और कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन को समझना है, फिर उस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर पाएंगे। तो ये ट्रायंगल नंबर की डेफिनेशन भी आपको कॉपी में भी नोट करना है। अब ट्रायंगल के बाद हमारी डेफिनेशन आती है कंपोजिट नंबर। यहां हेडिंग लगेगी टू, फर्स्ट पर लगेगी ट्रायंगल की फिर कंपोजिट। कंपोजिट नंबर ए नंबर विच इज डिवाइजिबल, ए नंबर विच इज ए नंबर विच इज डिवाइजिबल डिविजिबल वाई ए नंबर अदर देन वन एंड द नंबर इटसेल्फ इज कॉल्ड ए कंपोजिट नंबर। ये डेफिनेशन है लिख रहे हो 4, 6, 8, 9, 10। ये सभी क्या है हमारे कंपोजिट नंबर है क्योंकि इसमें अब आप समझ लीजिए कैसे है, क्योंकि उन्होंने कहा है डेफिनेशन में कि वन इसका फैक्टर हो और इक्वल कुछ चाहे हो और इसके अलावा मतलब ये दो से ज्यादा टू से ज्यादा इसके फैक्टर बने वो किसमें चला जाता है कंपोजिट में चला जाता है। ठीक है, माई डेफिनेशन यही है हमारी ट्रायंगल में सिर्फ कितने फैक्टर्स होते हैं ओनली टू और कंपोजिट में टू से मोर मतलब टू से ज्यादा बन जाए वो किसमें बन जाएगा हमारा कंपोजिट नंबर में जाता है। ठीक है, जैसे कि फोर है, ठीक है तो फोर के अंदर कोई तो वन इंटू फोर भी कर सकते हैं। ओके, या फिर हम फोर को फोर इंटू वन भी लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे लिख दो या फिर इसको साइड भी कर सकते हैं हम ऐसे, जैसे वन इंटू फोर किया तो क्या आया हमारा फोर, फोर इंटू वन किया तो भी फोर, टू में टू का किया तो कितना आया फोर। तो देखो ये कितने बन गए फैक्टर हमारे वन टू और थ्री, तो ये टू से हमारे टू से ज्यादा क्या बन गए फैक्टर, तो
फोर किसमें आ गया, कंपोजिट नंबर। ठीक है, डेफिनेशन आपको अच्छे से क्लियर हो गई। प्राइम और कंपोजिट में आप कंफ्यूजन नहीं होंगे, प्राइम में टू फैक्टर, कंपोजिट में टू से ज्यादा, तो किसमें ज्यादा, कंपोजिट में। तो ये हमने आपको एक्सरसाइज में क्वेश्चन आएंगे इस तरह से कि आप प्राइम नंबर को फाइंड निकालो 1 और 30 के बीच में। ठीक है, राइट द प्राइम नंबर बिटवीन इन 1 टू 50, 1 टू 20 में कंपोजिट नंबर, ऐसे आपको क्वेश्चन आएंगे आगे, वो आपको सभी को समझना है, करना है। 25 से आपको कंपोजिट नंबर भी समझ में आ रहा है और प्राइम नंबर भी। अब हम आपको एक एग्जांपल समझाते हैं। हाउ मेनी एक्सरसाइज 8.4 इससे और आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। इसको समझ में नहीं आया क्वेश्चन फर्स्ट है, हाउ मेनी प्राइम नंबर देना है, वो हम आपको पीडीएफ में सेंड कर देंगे। ओके स्टूडेंट, गुड बाय।